बड़ी खबर है जयवर्धन सिंह, दिग्विजय सिंह के पुत्र, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे जयवर्धन सिंह, इस चुनावी परीक्षा में पास हुए हैं। जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया है, जयवर्धन सिंह को जिता दिया है। वहीं भाजपा के हीरेन सिंह बंटी उनके सामने थोड़े से कमजोर साबित हुए, बहुत कमजोर साबित नहीं हुए, थोड़े से कमजोर साबित हुए, लेकिन हार गए हैं। जनता जो है राव गढ़की को जयवर्धन सिंह के साथ खड़ी नजर आई है। और पुश्तों का रिश्ता है इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। बीजेपी ने ताकत बहुत लगाई थी कि हीरेन सिंह बंटी जीत जाए, लेकिन जयवर्धन सिंह के सामने वो फेल हो गए हैं। और जयवर्धन सिंह को जनता ने अपने भरपूर मत दे के उन्हें जिता दिया है। दिग्विजय सिंह के पुत्र हैं, जयवर्धन की भी खूबी है कि वो मिलनसार है और काम करना चाहते हैं, उनका विजन बहुत क्लियर है काम को लेके, और कई बार तो लगता है कि वो दिग्विजय सिंह से भी बेहतर सोचते हैं, लेकिन उनको उतना मौका काम करने का अब तक नहीं मिल पाया। कमलनाथ सरकार में वो मंत्री बने नगरीय प्रशासन विभाग के, और एक अल्पकालीन मंत्री हम उन्हें कहेंगे, 15-18 महीने उन्हें काम करने का मौका मिला, और जिसमें वे अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं कर पाए। युवा नेता हैं, उनसे काफी आशाएं हैं, लेकिन अब वो विपक्ष में बैठेंगे मध्य प्रदेश में। विपक्ष में बैठ के उनका कार्य व्यवहार कैसा होता है, विपक्ष की अपनी भूमिका होती है, उसको ठीक से निभा पाते हैं कि नहीं, ये अब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, जयवर्धन सिंह अपने पिता की तरह, दिग्विजय सिंह की तरह ही जमीन पर रहने वाले नेता हैं। लगातार अपने क्षेत्र में प्रचार भी कर रहे थे और कई सीटों पर जाकर वो दूसरे प्रत्याशियों के लिए भी प्रचार करते हुए नजर आए, और उनकी अपनी सीट पर जयवर्धन सिंह की सीट पर दिग्विजय सिंह ने प्रचार करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर जनता को काम पसंद आया है तो जनता खुद उनको चुनेगी। हालांकि ये चुनाव उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। जयवर्धन सिंह कभी आगे होते कभी पीछे होते, पर चुनाव नतीजा आते आते उन्होंने ये चुनाव जीत लिया। मतगणना के दौरान उतार चढ़ाव देखने को मिले थे। मैं बताऊंगा, जयवर्धन सिंह को जो है 95,738 वोट मिले हैं, जबकि हीरेन सिंह बंटी को 91,233 वोट मिले हैं। वो बहुत ज्यादा फासला नहीं है, थोड़ी सी हीरेन सिंह बंटी मेहनत कम कर पाए या तो ये कहेंगे, या लोगों का जो लाड़ है वो किला कोठी राघोगढ़ में जो घर है जयवर्धन सिंह का, वहाँ के प्रति झुकाव है, वहाँ के प्रति समर्पण है, वहाँ से लगाव है, इस कारण हो सकता है कि वो अपने जो छोटे राजा कहते हैं वहाँ, जेवी नाम से, जेवी साहब, बाबा जेवी साहब के नाम से प्रसिद्ध हैं जयवर्धन सिंह, उनको हारते हुए देखना नहीं चाहते थे, और अब उनको मौका दिया विपक्ष में बैठ के। हमें लगता है कि जयवर्धन सिंह शानदार काम करेंगे, क्योंकि विपक्ष की अपनी बड़ी भूमिका होती है। सत्ता पक्ष तभी ठीक चलता है जब विपक्ष मजबूत हो, और मुझे लगता है कि इसमें जयवर्धन सिंह एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। कैसा पक्ष कैसा विपक्ष होगा ये समझ में आ गया है कि विपक्ष में बहुत थोड़े से सदस्य होंगे इस बार जब विधानसभा के भीतर हम आएंगे, और एक बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री से लेकर जब हम घूमते हुए आएंगे यू शेप में, तो अधिकांश सदस्य जो हैं वो भाजपा के होंगे। विधानसभा कैसी होगी, क्या कार्यप्रणाली रहेगी और किसके जिम्मे क्या आएगा, इस सब पर हम चर्चा के दौर को जारी रखेंगे। आप देखते रहें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।